और सुबह सुबह का टाइम है और धूप निकली हुई है, रास्ते में बारिश भी मिली है हमें हल्की फुल्की रोडों के ऊपर। तो फहीम भाई चले आओ भाई। भाई अब डैम पहुंचने के बाद अभी हमारे दोस्त लोग यहाँ पे वीडियोस वगैरह अपनी शूट कर रहे हैं और अब हम अब डैम से आगे की तरफ उसके रिजर्वर की तरफ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे वीडियो वगैरह बनाने को मना हो रहा है। तो हमें भगा दिया भाई आगे की तरफ, बोले अब आगे जाएं और अब हम और नीचे वो बंदे शिकार कर खाना बंदर है। ये भाई हम फिर भी नीचे उतर रहे हैं, आ जाओ भाई। मछली तो नसीब है भाई। तुमने पकड़े? हाँ। ये भाई माई ने मछली भाई, माशाल्लाह भाई। बबल ये है कौन सी नस्ल? ये और के चोरंगी। जब भाई मच्छी के लिए ऐसे ख्वार हो रहे हैं ना कि आप यकीन नहीं करें, माटा खा खा के मच्छियां जा रही हैं लेकिन हाथ में कुछ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। और अभी ट्राई हो रही है मजीद आटा, फिर उधार मांगा इन्होंने, हत्ता के कांटा डंडी सब कुछ उधार का लिया है, फिर भी ट्राई हो रही है भाई लेकर नहीं आते। लेकिन नेक्स्ट टाइम ये है कि भाई हम लोग लेकर आएंगे अपना सामान। यहाँ से पब्लिक सारा भाई रश होता है, जब फ्लो छूट रहा होता है ना पानी का स्पा ऊपर से, तो सारे पब्लिक बैठी होती है जून जुलाई के अंदर। अभी पाबंदी भी लग जाती फिर आ नहीं पाते हैं। अब नीचे उतरने के लिए थोड़ी सी आगे तो ख्वारी है और वही ख्वारी करने भाई हम आगे जा रहे हैं। हवा टाइट चल रही है, कभी धूप। ये रजब भाई हमारा जंगलों में रास्ता बना रहे जाने के लिए, खुली कांटों से झुकते हुए बचते हुए जा रहे हैं भाई आगे की तरफ। हाय हाय हाय, ये रजब भाई का कीड़ा लोग में दिख रहा होगा, बंदे वहाँ बैठे हैं। बहुत थका दिया है, बहुत ज्यादा थका दिया है वो। ऊपर से भाई यहाँ तक पैदल आए और अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ क्योंकि इनसे मच्छी तो डैम में पकड़ी जा रही नहीं है। जो डैम का फ्लो हुआ पानी बचा हुआ पड़ा उसमें मच्छियाँ इनको दिख रही, तो ऐसी शौक पूरा करने के लिए वहाँ ले। वैसे हम किसी इक्विपमेंट्स के साथ तो आए नहीं थे शिकार, यहाँ पे इक्विपमेंट्स के साथ तो हम आए नहीं, तो शिकार वैसे भी हमारा होने वाला तो था नहीं, तो इन्होंने दे दिया हमें शौक के लिए। जा रहे हैं भाई पानी में आगे आगे, स्लोली स्लोली, ठंडा ठंडा सर्दी में पानी लगे। सांप पड़ा हुआ है थोड़ा, देखियो सांप है, वही सांप है ना। अबे मालिक, सांप बोला मालिक की बढ़ गई, मालिक सांप। तो भाई ये है डैम में जाने का रास्ता। तो भाई डैम के सबसे ऊपर फ्लो है 350 फीट, 345, 340 और अभी 320 के करीब फीट पानी खड़ा है डैम में। नोटिस बोर्ड है और नोटिस बोर्ड पे भी आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे इनका जो अवामी कानून बन चुका है वो है कि भाई खबरदार झील में नहाना है, फोटोग्राफी करना है,
गाड़ी डैम के रोड पर पार्क करना है, अपनी शनाख्त कराएं और सिक्योरिटी स्टाफ से बहस करें। वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब सामने ही ऑफिस में रहते हैं भाई, वहाँ पे उस तरफ। तो ये भी एक सीन देखने को मिला जाते जाते। यहाँ पे हम अपना व्लॉग करते हैं ख़त्म। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करें। बाकी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ अभी भी अपने सब मसरूफ़ हैं टिकटॉक्स बनाने में। और रजब भाई हाथ हिलाते कैमरे की जानिब, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।